कॉम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी मुझे शुरू हो गए हैं, कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं, जो हमेशा हर मूवी के साथ होता है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है. मैंने हमेशा ये बोला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल मूवी फॉर मी. मैंने पहली मूवी थी हिंदी में बॉलीवुड में जो साइन करी थी, एंड आई सॉ द मूवी यस्टरडे. आई लव्ड इट. आई थिंक ऑल द परफॉर्मेंसेज आर वेरी वेल. मूवी बहुत ही टाइट मूवी है, बहुत सुंदर लव स्टोरी है. मैंने बहुत अच्छा काम किया है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड. आपने इस मूवी के रिव्यूज़ पढ़े हैं अभी तक? पढ़े हैं. उसमें ये सारे रिव्यूज़ में ये है कि 1920 में हॉरर तो है नहीं, ये लव स्टोरी है. बट सॉरी नो, मैंने ये मूवी इसलिए करी थी, मेरे को कोई ऐसा दिमाग में ये नहीं था कि कैसे मूवी से डेब्यू करना है. इट्स जस्ट दैट विक्रम ने जब ये स्क्रिप्ट ऑफर करी थी, एक बहुत हिट फ्रेंचाइजी थी. मेरा रोल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था. शर्मन वॉज द वन हु वॉज एक्टिंग अगेंस्ट मी. ही इज़ अ गुड एक्टर, एवरीबडी नोज. एंड आई वॉज बींग ऑफर्ड अ वेरी गुड रोल विद अ गुड डायरेक्टर, विद अ गुड प्रोड्यूसर एंड अ हिट फ्रेंचाइजी. सो ऑब्वियसली मैं एक्चुअली मेरे को होमवर्क करने की ज़रूरत इतनी नहीं थी, बिकॉज मेरा एक बहुत ही सिंपल रोल था. आई वॉज जस्ट प्लेइंग अ हाउस वाइफ हूज हस्बैंड गेट्स पोजेस्ड. सो देर वॉज नॉट मच रिसर्च ऑन माई कैरेक्टर. शर्मन का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस पर ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया था. देर वॉज नॉट मच रिसर्च. मेरे को बस स्क्रिप्ट मैंने बहुत पढ़ी थी, बिकॉज बहुत सारे डायलॉग्स थे. बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था. सो माय प्रिपरेशन वाज ओनली गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. कल प्रियंका की पूरी फैमिली ने मूवी देखी थी, हमने कल कास्टिंग क्रू की स्क्रीनिंग रखी थी. शी इज़ नॉट हियर अनफॉर्चुनेटली. आई वांटेड हर टू शो द मूवी बिकॉज इट आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस मूवी. उसको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था, उसकी फैमिली को कल मूवी बहुत अच्छी लगी, स्पेशली मैं और शर्मा, उन्हें बहुत ही अच्छे लगे. सो अभी तक फैमिली का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है. नो एक्चुअली द मोमेंट विक्रम ऑफर्ड मी दिस फिल्म, आई थिंक उसके आधे घंटे के अंदर मैं ऑफिस गई. मैंने नरेशन ली एंड द स्क्रिप्ट वाज सो गुड, माय रोल वाज सो गुड कि मैंने 2 मिनट में मूवी साइन कर ली थी. मैंने किसी को फ़ोन करके कुछ नहीं पूछा, बिकॉज दिस वॉज द काइंड ऑफ रोल आई वॉज लुकिंग फॉर. मैं एक साल से बॉम्बे में काम ढूंढ रही थी, एंड द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट आई वॉज गेटिंग आई वॉज नॉट हैप्पी विद. सो दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड. मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने बस 1 मिनट में साइन करी. दिस इज माई सेकेंड मूवी विद शर्मन, एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑसम गाय. थोड़ा 1920 मैंने पहले ही शूटिंग शुरू कर दी थी, तो फर्स्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन शर्मन से 1920 के शूट भी हुई थी. थोड़ा इंटिमिडेटेड थी बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर. और जब मैं पहला सीन उनके साथ कर रही थी, तो मैं अपने डायलॉग्स भी भूली थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं. बट नाउ ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, लाइक आई कैन कॉल हिम एनी टाइम. ही इज़ वेरी चिल्ड आउट. उसे कोई हैंगअप्स नहीं है, उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है. ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस गाय. लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, दैट्स अबाउट इट. व्हाट इज़ इट? डार्क और हॉरर साइड ऑफ बॉलीवुड. व्हाट इज़ इट? डार्क और हॉरर साइड ऑफ बॉलीवुड. आई हैव ओनली सीन अ वेरी गुड साइड ऑफ बॉलीवुड एज ऑफ नाउ. पता नहीं, शायद बिकॉज ऑफ प्रियंका. मेरे को हमेशा बॉलीवुड में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, मेरे को हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट मिली है. आई एम कम्प्लीटली इन लव विद दिस इंडस्ट्री. तो मेरे को अभी तक कोई डार्क और हॉरर साइड देखने को मिल नहीं है. यस, एक्शन. दोस्ताना. आई लव दोस्ताना. आई लव एवरीथिंग अबाउट दोस्ताना. आई एम अ फैन ऑफ अर्बन मूवीज, एंड आई थिंक प्रियंका दोस्ताना में बिल्कुल री इन्वेंट होकर आई थी. आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन दैट काइंड ऑफ रोल. ऑफ कोर्स शी नोज इट वेरी वेल. आई एम अ फैन ऑफ फैशन एंड दोस्ताना सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड शी नोज इट वेरी वेल. वो कहती है स्टेप बाई स्टेप इवन यू रीच देयर. सो आई थिंक आई एम जस्ट टेकिंग माई बेबी स्टेप्स राइट नाउ. क्या अच्छा था, क्या बुरा था?
एक्चुअली शूट के टाइम ज़्यादा डर लगता नहीं है बिकॉज हॉरर मूवीज़ में यू नो दैट यू आर क्रिएटिंग अ सीन. इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज सेड कि हॉरर मूवीज़ में तुम्हें ज़्यादा एक्ट करना पड़ता है बिकॉज सब कुछ क्रिएट किया जाता है और तुम्हें वैसा बिहेव करना होता है. यू डोंट बिहेव लाइक दैट इन योर रियल लाइफ. तुम रियल लाइफ में एक कैंडल लेके अंधेरे में कुछ ढूंढने नहीं निकलते. यू डोंट डू ऑल दैट अगर तुम्हें कुछ डर लग रहा हो तो. सो हॉरर मूवीज़ एक्सट्रीम एक्टिंग, ओनली एक्टिंग. हाँ, और क्या पूछा आपने? आई सॉ इट यस्टरडे और मैं ज़्यादा डरी नहीं क्योंकि शायद मैंने शूट किया हुआ है इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा. बट मुझे एज अ मूवी बहुत ही पसंद आई. आई थिंक द USP ऑफ दिस मूवी इज़ द लव स्टोरी बिटवीन मी एंड शर्मन. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन विच कम्स अक्रॉस. बट बाकी जो लोग देख रहे थे उन्हें लगा कि राइट बैलेंस में हॉरर भी है और लव स्टोरी तो है ही बहुत अच्छी. ये पूरी कहानी लंदन में बेस्ड है. हमने शूटिंग इस मूवी की पूरी लंदन में करी है. आई एम स्टेइंग विद माय हस्बैंड इन लंदन वेयर ही गेट्स पोजेस्ड और पूरा द होल मूवी सराउंडेड इन लंदन. सो दैट इज व्हाई द नेम इज 93. आई डोंट नो. आई वांट टू सी इट टू बिलीव इट. मैंने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया घोस्टली और मैं जब तक करूंगी नहीं मैं बिलीव नहीं करूंगी. इसमें कुछ भी इरोटिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली. मुझे याद है जब हम ये शूटिंग ख़त्म करके आए थे तो विक्रम ने कहा था अरे तुम लोगों ने सेक्स तो दिखाया ही नहीं है तो पिक्चर चलेगी कैसे. कुछ ऐसा है नहीं मूवी में. बहुत ही टाइट हॉरर और लव स्टोरी है. बट व्हेन यू गेट ऑफर्स फ्रॉम भट्स देन ऑब्वियसली यू गेट एक्साइटेड एंड यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग एल्स. इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. आई डोंट रियली गेट स्केयर्ड ऑफ थिंग्स. बट जैसे मैंने पहले बोला मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है. अदरवाइज आई एम वेरी एडवेंचरस. आई हैव डन पॉसिबली एवरीथिंग इन लाइफ. स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, मैंने सब कुछ किया हुआ है. मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता. प्लीज़ कभी मत करना, मैं भाग जाऊँगी. नहीं नहीं नहीं. व्हाई टू टेल योर फियर्स टू अदर्स. या यू शुड नेवर टेल योर फियर्स टू अदर्स. थैंक यू गाइस. साउथ में कुछ अच्छा मिला तो ज़रूर करूँगी. अभी आई लव हिंदी, आई लव बॉलीवुड. आई वॉन्ट टू स्टिक हियर. आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ मूवीज. सो राइट नाउ द होल कॉन्सेंट्रेशन इज बॉलीवुड. व्हाट इज इट? ऑफकोर्स हिंदी. मैं बहुत नॉर्थ इंडियन, दिल्ली की पंजाबी लड़की हूँ. साउथ में तो मुझे काम कर रही थी बस मज़ा नहीं आया था. हिंदी में काम करके मज़ा आता है. अपने लोग होते हैं तो अपनी भाषा बोल सकते हैं. यू फील मोर एट होम. सो फॉर मी हिंदी इज डेफिनेटली मोर कम्फर्टेबल एंड फन. थैंक यू गाइज. थैंक यू गाइज. थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.